हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एयरफोर्स का एक नया प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, रेंज, वर्ड है रेंज। फर्स्ट ऑप्शन है लेवल, सेकंड है एक्सपेंस, थर्ड है ग्रेड, फोर्थ है स्टैंडिंग। तो रेंज मतलब क्या होता है, जो एक जगह का मतलब एक तरह का एक्सटेंशन हो, रेंज हो, एक्सटेंशन या एक्सपेंस विस्तार हो। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका सेकंड, एक्सपेंस। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल कंजंक्शन। कंजंक्शन आपको इसमें फिल करना है सेकंड क्वेश्चन में। ऑल्दो सी वर्क्स हार्ड डैश सी फेल्स। फर्स्ट ऑप्शन है बट, सेकंड है एंड, थर्ड है येट, फोर्थ है दैन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आल्दो के बाद या तो येट लगता है या तो कॉमा लगता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी। आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू हर मे यू सक्सीड। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, ही टोल्ड हर दैट सी माइट सक्सीड, ही प्रीड टू गॉड दैट सी मे सक्सीड, ही विश्ड हर सक्सेस, ही सेड टू हर दैट सी माइट सक्सीड। अब आप इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें गॉड से प्रार्थना की गई है ना। तो जो थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसने मतलब इच्छा जताई कि वो पास हो जाए या सक्सेस हो जाए, तो क्या होगा, अब प्रेड टू तो गलत हो गया, क्योंकि सेड टू के स्थान पे यदि प्रेड होता तब तो ठीक था मामला कुछ, लेकिन ही सेड टू की जगह पे विश्ड हर सक्सेस। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें बेस्ट देखा जाता है आपका, तो थर्ड का हो जाएगा सी, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द फ्लॉक ऑफ लायंस रोम्ड अबाउट फेयरलेसली इन द जंगल। द फ्लॉक ऑफ लायंस रोम्ड अबाउट फेयरलेसली इन द जंगल, तो क्या हो जाएगा, रोम्ड अबाउट या रोम्ड अराउंड। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ होता है। इसका मतलब होता है मतलब एमलेस तरीके से आप घूमना, मतलब कहीं भी वांडर ओवर करना। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि लायंस के लिए कौन सा वर्ड होता है, झुंड के लिए ये होता है प्राइड, PRIDE, प्राइड, PRIDE, प्राइड। ठीक है, लायंस के लिए होता है प्राइड, तो आपका फोर्थ का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चेंज द वॉइस, वी होप दैट वी शैल विन द मैच। क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, द मैच इज होप्ड टू बी ऑन, मैच विनिंग इज आवर होप, इट इज होप्ड दैट द मैच विल बी ऑन बाय अस, विनिंग द मैच इज होप्ड बाय अस, तो क्या हो जाएगा फिफ्थ का हो जाएगा आपका। अब आप ये देखिए कि यहाँ शैल विन द मैच है, तो इसका मतलब द मैच विल भी होना चाहिए, यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में द मैच विल भी होना चाहिए, मुझे चाहिए फ्यूचर में, है ना। तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, वो है ऑप्शन सी। ठीक है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब है फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड वॉयस। वॉयस का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, द वॉयस, वॉयस, वोकल, वॉइसर, तो सही आंसर आपको दिख रहा होगा वोकल हो जाएगा, सिक्स का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। वोकल मतलब होता है जो वहाँ मतलब आप ओरल जो बोलते हो, ठीक है, ओरल बोलते हैं, वर्बल, ठीक है, ओरल या वर्बल जो बोलते हो, ठीक है, इसे बोलेंगे वोकल। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन idioms और phrases टू बी वैकेंट इन अपर स्टोरी। स्टोरी मतलब होता है मंजिला, कौन सी ब्लॉक में रहते हैं आप, ठीक है, कौन से सेक्टर बोलते हैं या सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, टू बी फीबल माइंडेड, टू इंडल्ज इन मीनिंगलेस इमेजिनेटिव फ्लाइट्स, टू हैव द अपर पोर्शन ऑफ द हाउस अनटेंटेड, अनटेनेटेड, नेंटेड, नॉट कीपिंग एनीथिंग इन द अपर स्टोरी ऑफ द हाउस, तो क्या हो जाएगा, टू बी वैकेंट इन अपर स्टोरी। ठीक है, अब आप भी कैसे याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए आप बहुत मतलब सबसे ऊपर वाले मंजिले में रहते हैं और बिल्कुल खाली हो मंजिला, ठीक है, आप जो अपर स्टोरी है वो बिल्कुल खाली हो, तो मतलब अपर स्टोरी होगी तो बहुत ही छोटा मकान होगा, आप जान लीजिए मतलब वो जो रूम होगा वो बहुत ही छोटा होगा। ठीक है,
और वो खाली भी होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि टू बी फेबल माइंडेड, बहुत ही छोटे विचार वाला, ठीक है, फीबल माइंडेड, बहुत ही छोटे विचार वाला, तो हो जाएगा संकीर्ण विचार वाला, ठीक है। तो टू बी फीबल माइंडेड सेवन का हो जाएगा ए ऑप्शन। बी ऑल मस्ट डैश दैट पीपल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। एसेट मतलब होता है उसकी संपत्ति आप समझते हैं, ठीक है। फाइंड लुक रियलाइज इन्वॉल्व कौन सा होगा, रियलाइज, यस रियलाइज होगा, ठीक है। बी ऑल मस्ट रियलाइज दैट पीपल आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एनी, मतलब हम लोग रियलाइज कर, हम लोग ये बहुत ही मतलब रियलाइज करना चाहिए कि जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस। ऑल्दो इट इज 2 years since this book was first published, कॉमा its Indian edition had just been dashed। अभी मैंने आपको पीछे ही बताया कि आल्दो के बाद या तो यट लगेगा या तो कॉमा, अब आप यहाँ देखिए published के बाद कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, had just been sold started published launched। Although it is 2 years since this book was first published, its एडिशन हैड जस्ट बीन डैश सोल्ड स्टार्टेड पब्लिश्ड लॉन्च्ड। तो क्या होगा, अब जो नई बुक आएगी उसके लिए कौन सा वर्ड होगा, लॉन्च ही हो जाएगा, है ना, पब्लिश तो होगा नहीं, लॉन्च ही होगा, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 9 का D, ठीक है, 9 का D ऑप्शन। गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड बेबी, बेबी का क्या हो जाएगा, बेबीज, कोई डाउट नहीं इसमें। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब, आई आस्क्ड बबीता इफ सावित्री डैश ऑलरेडी बीन मैरिड। फर्स्ट ऑप्शन हैज, सेकंड भी हैव, थर्ड हैड, थर्ड वुड हैव। अब इसका मैं आपको मीनिंग मतलब कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अब इसमें आई आस्क्ड मतलब इसमें पास्ट से स्टार्ट हुआ है, तो मुझे पास्ट ऑफ द पास्ट चाहिए, तो पास्ट का परफेक्ट, ठीक है, पास्ट ऑफ द पास्ट मतलब पास्ट का परफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए हैड ऑलरेडी बीन, हैड बीन अभी यूज हो गया है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका पास्ट का परफेक्ट दिख गया होगा आपको, हैड, हैड बीन होता है, ठीक है। तो आई आस्क्ड बबीता इफ सावित्री हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, इसका एंटोनिम, इसका अपोजिट आपको बताना है। गुलीबल, गुलीबल का हो जाएगा पहला ऑप्शन है अनरियलाइबल, अनकम्पेनियनेबल, रिजिड, डिस्ट्रस्टफुल। तो क्या हो जाएगा, अब गुलीबल मतलब होता क्या, जिसको आप जो आसानी से धोखा खा जाए, है ना, जो बहुत ही क्रेडुलस हो, इनोसेंट हो। तो गुलीबल का जस्ट उल्टा इसमें कौन सा वर्ड हो जाएगा, डिस्ट्रस्टफुल, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रस्टफुल, ठीक है। सबकी मीनिंग देखिए, गुलीबल का मैंने बता ही दिया, जो आसानी से धोखा खा जाने वाला हो, जो इनोसेंट, क्रेडुलस। एक बढ़िया वर्ड है नाइफ, NAIF, ठीक है, नाइफ, ठीक है, इसका मतलब ये होता है जो आसानी से क्या हो जाए, धोखा खा जाए, ठीक है। और अनकम्पेनियनेबल मतलब हो जाएगा जो अनसोशेबल हो, ठीक है, जो किसी के साथ रहता ना हो, समाज में ना रहता हो, ठीक है, सॉलिटरी, अकेला रहना चाहता हो, ठीक है, बिल्कुल अलग, जैसे अलूफ, ALOOF, अलूफ फ्रॉम होता है, ठीक है। ट्रस्टफुल का मीनिंग हो जाएगा जो सस्पिशियस हो, ठीक है, उसे बोलेंगे। नेक्स्ट, 13 नंबर क्वेश्चन, अब आपका आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। दैट व्हिच इज आउटडेटेड फॉर आउटडेटेड आर आउट ऑफ यूज, ठीक है, ऐसी चीजें जो अब प्रचलन में ना हो, आउटडेटेड हो, एंशियंट, स्टेबल, ऑब्सोलीट, ऑब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो आउटडेटेड हो तो ऑब्सोलीट हो जाएगा, ऑब्सोलीट मतलब जो अब प्रचलन में ना हो, आउटडेटेड, ठीक है, आउटडेटेड आप बोल सकते हैं, आउटमोडेड बोल सकते हैं, नो लॉन्गर इज यू बोल सकते हैं, ठीक है, एंटीक हो, आउट ऑफ फैशन हो, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप बहुत सारे मैंने सिनोनिम बता रहा हूँ, आप उसे नोट कर लीजिए, ठीक है। वन हु डज नॉट मिक्स फ्रीली विथ अदर,
मतलब समझ गए, मतलब आसानी से खुलता मिलता ना हो, ठीक है, अनसोशियबल जिसे बोलते हो आप, ठीक है। अभी मैंने जैसा बताया अनसोशियबल, अनकम्पेनियनेबल हो, सॉलिटरी रहना चाहता हूँ, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, कोई डाउट नहीं इसमें। चूज़ द करेक्ट वर्ड ऑफर्ड, ओ डबल एफ ई आर ई डी हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा, ओ डबल एफ ई आर ई डी, ठीक है, आपका हो जाएगा 15 का ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल, डू नॉट बी इन सच डैश हरी। अब मैंने बताया सच, इन सच अ हरी, ठीक है, जब आप जल्दी में हो, ठीक है, तो इन सच अ हरी 16 का बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हैज बीन फैमिलियर डैश अगन ऑल इज लाइफ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विद, फॉर, बाई, ऑन। अब हैज बीन फैमिलियर विद अगन, फॉर अगन गलत, बाई अगन गलत, ऑन अगन गलत, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विद अगन। मतलब प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन जो थे वो पूरी लाइफ गन के साथ ही थे, मतलब पूरी फैमिलियर हो गए थे गन के साथ, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 17 का बी ऑप्शन, ठीक है। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। जय हिंद।